उज्जैन के कोठी रोड पर कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने एकत्रित हुए। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, लेकिन देखने में आया कि जिस संख्या में पुलिस बल मौजूद था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या उससे भी कम थी। एकत्रित कार्यकर्ताओं को पुलिस वाहन में बैठाया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग बहुत आज प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार के साथ यहाँ है। पूरा मध्य प्रदेश बहुत खुश है। शिवराज के व्यापम के रोजगार को खोजे उन्होंने खुला है। इसमें कम से कम देश के किसी एक वर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है। हम कांग्रेस के लोग और जनता बहुत प्रसन्न है कि चलिए कोविड को तो रोजगार ये लोग दे रहे हैं। और आज हम सारे लोग आए इसलिए ही है कि जो प्रदेश की जनता है इनसे बहुत खुश हो रही है। जो इस बात पे खुश है कि तेल महंगा कर दिया, चूंकि अब तेल महंगा कर दिया अच्छी बात है, पेट्रोल महंगा कर दिया ये और अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात है कि घर की रोटी महंगी हो गई तो आज के आदमी रईस हो गए। ये व्यंग, ये कटाक्ष शिवराज सिंह को समझ में नहीं आएगा जब तक 2023 में जनता और कांग्रेस पार्टी शिवराज की इस भ्रष्ट सरकार को धूल न चटा देगी, और जब तक हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। उज्जैन से वीरेन शर्मा की रिपोर्ट।